मॉर्निंग आप सभी को। क्या दादू झा सा मेरे दादी के लिए चाय लाया है, मुरी और बिस्किट। और ये रहा दादी, धूप सेक रहा है क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है, देखिए पूरा फोकी फोकी है। और मैं भी ऐसे हालत में गुंडा। ये गुड मॉर्निंग। ओए दादी के साथ बैठ के धूप सेकने लग गई। दादी तो चाय पी रही है, बिस्किट खा रही है। मेरे दादी के लिए अलग से यहाँ चूल्हा बनाया है क्योंकि उसको हमेशा धूप सेकना होता है, तो इसलिए बाहर में हमारा चूल्हे उस साइड में दो चूल्हा है, यहाँ पर दो चूल्हा है। चार चूल्हा है हमारे घर में, ये लकड़ी का वाला चूल्हा। दादी को चाय पिलाने के बाद घर का सारा काम समेट के, मतलब सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करने के बाद जगह अभी काम खत्म हुआ और मेरा चाय अभी मैं पीऊंगी। और धूप भी निकल गया है पूरा, तो अभी चाय पीऊंगी, फिर नहाऊंगी, फिर मेरी दादी को खाना खिलाऊंगी, फिर जाऊंगी। हस्बैंड भी गया है श्राद्ध का घर पे, कोई नहीं घर पे। और घर का सिक्योरिटी गार्ड बनेगी मेरी दादी आज तो। तो अभी घर से निकली हूँ श्राद्ध में जाने के लिए। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर पे कोई नहीं है। और अभी मेरे पापा रिटर्न हुए नहाने के लिए, वो भी सुबह काम करने गए हुए थे। तो कोई कोई आएंगे कोई जाएंगे एक्सचेंज कर करके, तो मैं भी अभी निकल रही हूँ और डायरेक्ट शाम को आऊँगी। और वहाँ का वीडियो तो नहीं बनाऊँगी, डिमाइस का है श्राद्ध है उसमें क्या वीडियो बनाना। अगर बोलते शादी है या मतलब हंसी खुशी वाला ओकेजन है तो बोलती मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन तो और क्या बोलो। और आज तो मैंने ये मेखला चादर लगाया है। श्राद्ध के घर से वापस आ गई हूँ, काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि अभी फिर से जाऊँगी। अभी आई हूँ मेरे दादी के लिए खाना लेके श्राद्ध के घर से, और हस्बैंड भी आ गया है। कैसा लगा ससुर के घर पे आके यहाँ का फर्स्ट कुछ भी प्रोग्राम अटेंड किया? थोड़ा तो डिफरेंट है डिमा हासा और यहाँ हमारा कल्चर से। कैसा लगा हस्बैंड? गुड। हाँ अलग एक्सपीरियंस ना। आज तो हर कोई हस्बैंड को ही पूछ रहा था क्यों तुम्हारा हस्बैंड आया या नहीं आया। नहीं आया। तभी आ गया, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी फिर वापस जाऊँगी क्योंकि रात में भी अभी थोड़ा तो और कुछ कुछ रिचुअल है तो उसमें जाऊँगी। गुड मॉर्निंग आप सभी को, फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग गुंडा, देखो मेरे साथ आने का कोशिश कर रहा है। और अभी हम लोग सुबह का 7 बजे है, अभी जा रही हूँ बाजार। आज ट्यूसडे है और हमारा कुमाचरा में ट्यूसडे को बाजार होता है और मंडे को गंजुंग में होता है। हस्बैंड तो निकल गया है, रास्ते पर है। मैंने दो दो बड़ा बड़ा बैग ले लिया, देखते हो क्या मिलता है। सुबह सुबह अभी 7 बजे का हमारे विलेज का व्यू है ये। हस्बैंड बाजार पहुंच ही गए क्योंकि सामने में ही है बाजार। सर बाजार मतलब सामान ज्यादा लेने से कैरी करने में प्रॉब्लम होता है इसीलिए। सर हम लोग देखिए लोग दिखाई दे रहे होंगे। কাপড়
बाजार से वापस आ गई हूँ घर पे। काफी टाइम हो गया बाजार से वापस आया हुआ, और आके ही खाना बनाने लगे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी थी। और मेरे मम्मी पापा तो अभी भी श्राद्ध के घर पे गए हुए हैं। आज लास्ट रिचुअल है, उसके बाद तो बोश और श्राद्ध जो होता है 1 साल बाद वो होगा। तो हस्बैंड है, मैं हूँ, भैया तो दुकान पे है, मेरे दादी खाना खा रही है, तभी हम लोग भी खाना खा लेंगे। या हस्बैंड यहाँ बैठ गया है खाना खाने। क्या क्या है हस्बैंड आज खाने पर? फिश बॉयल, स्टिंग बीन्स का चटनी, साइड में है यहाँ पर बनाना फ्लावर, बनाना फ्लावर का चटनी, और ये है डक का मीट, और यहाँ है हस्बैंड। और मेरा तो ये, मैं मीट नहीं खाऊंगी। तो मेरे माँ भी आप डाउन कर रही थी, तो इसलिए मतलब श्राद्ध के घर में जाना आना हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं आई हुई हूँ घर पे, तो क्यों ना मैं इसे लेख लेती हूँ। थोड़ा गंदा भी हो गया है, लेखने का टाइम हो गया है, और घर में भी कोई नहीं है, यहाँ पे हेल्पर भी नहीं मिलता है। अभी विलेज है, फिर भी हेल्पर बहुत कम ही होता है जो कभी हम लोगों को मिलता हो, चाहिए होने से भी। और मेरे भाभी लोग तो जैसे बोला अभी घर पे कोई नहीं है, तो खाना खा लिया, ये लिपाई कर लूंगी, कपड़ा धो दूंगी, उसके बाद तो आराम ही आराम। तो पहले समय कंप्लीट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अनदर डे सेम वीडियो, कल तो मैंने और वीडियो नहीं लिया, और अभी सुबह का 7 बज रहे हैं। देखिए पूरा फोगी फोगी, पूरा अब तक धूप ही नहीं निकला है। सुबह का 7 बज रहे हैं और अभी मैं रेडी हो गई हूँ जाने। कुंडा, यो 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 यो, ऐसा ही होता है मेरा घर आने से। एक कुंडा इतना खुश हो जाती है क्योंकि हमेशा उसको अकेला रहना पड़ता है घर पे। तो अभी खाना खाऊंगी, इस तास लाओ गुंडा, और निकलूंगी। कल हमने ये लाइसा खरीदा था जो यहाँ बाहर पे रख दिया, नेचुरल फ्रिज, यहाँ बहुत फॉग गिरता है तो उससे ये ताज़ा ताज़ा रहता है, इसलिए बाहर मेरे पापा ने ला के रख दिया। तो अभी इसे रूम के अंदर मतलब हमारे बैग में जाकर ले जाके डालूंगी। ये हमारा बाजार बैग जो फुल हो गया है। अरे ठूला गिर खटना है ठेला, इवन शेयर ने वो सवा अभी हल्का हल्का सा अभी धूप निकलना है, सूरज निकलना शुरू हुआ है। अभी चली जाऊंगी, मेरे दादी देखने आई है, हम लोग जाएंगे बोला, इसलिए थंगा सका उसको दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ से निकल जाऊंगी, 8 बज गया है, 7 बजे जाने का टाइम रखा था, फिर भी ठीक ही है, इतना लेट नहीं हुआ है और अभी भी धूप नहीं निकला। कुंडा कुंडा कोना पहुंच के मेरे पापा भी आए हैं, मेरे पापा भी आए हैं, मेरे छोटे भाभी के घर जा रहे हैं आज, उसके घर पे थोड़ा रिचुअल है तो उसके लिए आए हैं। और हमने दिव्यांश के लिए चिप्स और यहाँ मिठाई ले लिया है, तो अभी चलते हैं। बाय ए बाप ठंगो मा, बाप ठंगो मा जा ने बाप ना ra thập ba đi. Ý bab kêu trong sinh nhật đang rồi. Yeah. Bác la đang nè bab nè.
हमें लाओ आज कर दे ए बाय बाय हम आया ने टाटा मेरे पापा चले गए दिव्यांश उसका मम्मी उसका भाई मतलब दिव्यांश का मामा लेने आया है सो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। काफी देर हो गया, आधा घंटा तो ऐसा हो गया। मैंने गर्म पानी करके पी भी लिया और बहुत फोगी फोगी आज धूप ही नहीं निकला। हमारे घर पे तो विलेज में तो मेरे मम्मी को फोन किया तो बोला थोड़ा धूप निकला है, लेकिन यहाँ करमगंज में धूप ही नहीं है, पूरा फोगी फोगी है। और थोड़ा रेस्ट कर लिया इसलिए बेटर लग रहा है। और घर से क्या क्या लाया जो हमेशा उस वक्त थोड़ा कम लाया, बाजार में संक्रांति है बोल के ज़्यादा सब्जी नहीं मिला। ये मिर्ची लाया, लाओ ये पोरासी, ये देखिए ये काला दाल स्पाइया, फिर तो ये स्टिंग बीन्स, ये बनाना फ्लावर, ऑरेंज, ये लोकल आलू है, ये लाई पत्ता जो कल बाजार में खरीदा, ये धनिया टिन लाया था, दो घर पे छोड़ के आई हूँ, हम लोगों ने खा लिया ये थोड़ा थोड़ा करके। और ये तो मेरे छोटी बाबी के घर से आया है, ये सेम। और ये पपीता दिया है, तीन पपीता दिया है, ये तो पक ऑलमोस्ट पक ही गया है, देखिए ये पक गया है ऑलमोस्ट। मेरे पापा को जब लेने आया तब ये लाया पपीता, तो देखिए सिम भी बहुत सारा दिया है। तो इसे ही हम लोग तो बहुत दिन खा लेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, ज़्यादा नहीं खा पाते। तो अभी जल्दी से खाना बना के खा लेंगे। देखिए सामान सब आके फेंक के रख दिया है, तो अभी जल्दी से खाना बना के खाएंगे। हस्बैंड को फिर ऑफिस भी जाना है, उसका तो आधा रास्ते से ही फ़ोन आना शुरू हो गया, तो अभी जल्दी से बनाऊँगी फिर खाएँगे, फिर हस्बैंड भागेंगे, मैं आराम करूँगी और सामान समेटूँगी, ज़्यादा आराम करने को तो नहीं मिलेगा।